रोटी जैसा पकौड़े टिक्कियाँ और साथ ये अंडे और ये शिमली और आलू घर वाली चटनी जैसा दही की चटनी और व्हाट अ कॉम्बिनेशन। अजी जी फाइनली हम पहुंच गए हैं सैदपुर और ये भैया पकौड़े वाले इनसे भी पकौड़े वगैरह गर्म करवाते हैं, समोसे वगैरह पकौड़े हैं गर्म करवा के और यहाँ पे बैठ के खाते हैं। तो ये है जी पकौड़े समोसे टिक्कियां बना रहे हैं खाना, मुझे टिक्कियां बन रही है। और ये काशी भाई खड़े हैं धुआड़ आ रहे क्या यार, वो आलू वालियाँ कट देना, आलू वालियाँ कट दो कर दो आलू बड़े बंदे यार दो ना इधर अलग हो जाना भाई साग तो खाते नहीं माशा तक सेहत भी लग रहा है साग तो बहुत थोड़ा खाते हाँ मैं खाते ही नहीं वो भी इधर आए भाई भाई को नहीं खाने समोसे भाई पकौड़े बड़े जबरदस्त होते हैं भाई हर बारी खाते यार जिन्हें आना की आना भाई ऐसे भाई को ले हाँ ऐसी जगह ये चटनी इमली वाली चटनी है ना इमली आलू बुखारे वाली चटनी और ये बड़ी मजे की होती है। वैसे अगर रोटियां चटनी मेरी पकौड़े टिक्कियां सब आप ठीक है हम तो बादला कर लेंगे आप ऐसे रोटियां ले लेना उसके पहले मुझे तबादले नहीं ने और ये एक दही वाली चटनी भी आ गई है और अब हम खाने लगे हैं। बहुत मजे के हैं ये टेस्टी है मौसम है यार मजेदार। भाई साकिब खा रहे हैं ये रोटी जैसा पकौड़े टिक्कियां और साथ ये अंडे और ये शिमली और आलू घर वाली चटनी जैसा दही की चटनी और व्हाट अ कॉम्बिनेशन। और ये मैं खाते हुए बहुत कम का माना होता है इसे लिए ये जब भी आओ तो यहाँ से हम लोग लाभ भी खाते हैं क्योंकि इनके पकौड़े वाकई में बहुत मजे के होते हैं और बाकी सारी चीज़ें भी कमाल होती हैं। और ये जैसा माहौल है गांव वाला विलेज वाला माहौल इस माहौल में बैठ के ये चीज़ें खाने का तो अपना ही मजा बहुत मजे की चीज़ है। तो आप लोग भी आओ तो यहाँ पर लाभ भी खाया ठीक है। तो आप काशी भाई आएंगे काशी भाई राज मजे गर्म गर्म लेके बस आकब समोसे के ऊपर करा रहे हैं। मैंने कहा नहीं मैंने नहीं खाना वहाँ नाश्ता बहुत हैवी किया खाना कुछ चाटे खा तो ले आराम से अभी तो। और भाई साहब समोसे के बगैर नहीं रह सके भाई साहब ने मुझे भी लिफ्ट कराई है तो मैंने कहा नहीं समोसा तो नहीं मेरा बहुत ज़्यादा हो गया तो भाई साहब ने सुलह फिर भी मार ली है थैंक यू सो मच भाई अच्छी जगह है। अब वो देख आ रहा होगा यहाँ पे लाइन में लाइन में छः सात पकड़ने सब पे यही है पकौड़े समोसे वगैरह ये वो क्योंकि लोग यहाँ पे आते हैं रुकते हैं यहाँ पे खाते हैं टेस्ट भी है और लोकेशन इस तरह की है कि बैठ के यहाँ पे खाने का मज़ा जो है ना वो डबल हो जाता है डबल। वो देख ही रहे हैं हर चीज़ गर्म है यहाँ पे गर्म ज्यादा ही गर्म मुंह जल गया भाई का मुंह जल गया ज्यादा ही गर्म था काम तो सर्दी है तो सर्दियों में यहाँ पे धूप पहाड़ी अच्छी खासी तो इस धूप पे मैं तो कहता हूँ इधर टेबल लगाने चाहिए इस जगह पे इधर बंदा बैठ के खाए मजा आया खाने का धूप में ये चीजें खाने का मजा सर्दियों में आता है।